हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपने विंडो 10 या 11 के ड्राइवर्स कैसे अपडेट करने। दो मेथड्स आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहले स्टेप के लिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाना होता है, जो काफ़ी यूजर्स को पता होता है कि डिवाइस मैनेजर से अपडेट होते हैं ड्राइवर, बट कैसे आपको अपडेट करना है ड्राइवर वो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सारे ड्राइवर यहीं पर इंस्टॉल होते हैं विंडोज़ के। जैसे मैं ब्लूटूथ का ड्राइवर अगर अपडेट करूँगा यहाँ से, तो उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और सर्च ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप यहाँ से, तो ये अपने आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेगा आपके सिस्टम में। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, आपको इसी पर यहाँ पर राइट क्लिक करना होता है, उसके बाद अपडेट ड्राइवर करना है, उसके बाद आपको ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, उसके बाद ये ऑप्शन, और यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है सेलेक्टेड, नेक्स्ट कर देना। आपको आपका ड्राइवर यहाँ से अपडेट और इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेथड दोस्तों पहला मेथड हो गया। अगर यहाँ से आप किसी का भी ड्राइवर यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से सर्च ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप। सर्च ऑटोमेटिकली करने के लिए आपको नेट से कनेक्टेड होना चाहिए यहाँ से, और वन बाय वन आप सारे ड्राइवर को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों दूसरा मेथड बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको दूसरे मेथड से इंस्टॉल करना है ड्राइवर को। तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है, आपको उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर आप विंडो प्लस आई का बटन भी एक साथ प्रेस करके आ सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पर आएंगे आप, आपको ऑप्शन दिखेंगे, आपको अपडेट इन सिक्योरिटी पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट पर जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये अपडेट के लिए रिक्वायर्ड आ रखा है रिक्वायरमेंट है, तो मुझे यहाँ पर रीस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से अपना सिस्टम, और ऑटोमेटिकली यहाँ से सारे ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएंगे विंडोज़ के, और आपका इशू जो है सॉल्व हो जाएगा अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे होंगे। यहाँ से दोस्तों आपको अलग ऑप्शन भी दिख सकते हैं, यहाँ से आपको अदर ड्राइवर अपडेट भी दिख सकता है, तो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर देना उसको, और आपका सारे ड्राइवर दोस्तों यहीं से इंस्टॉल हो जाएंगे। जब भी आप इसको, आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो यहाँ से ग्रीन टिक दिखाए आपको इस तरीके से, और आपको मैसेज आना चाहिए यू आर अप टू डेट। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सिस्टम को या विंडो 10 के सारे ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। Thank you. Thanks for watching How to Fix Tech.